power violence and legitimacy so in this session we are going to discuss the topic of the power violence and legitimacy that what actually and how we can define these concepts and how these concepts are putting pressure on the society and how the political sociologists they are linking these concepts so power is the ability of someone

इसके बिल्कुल अपोजिट कि वो किसी दूसरे को वो वो ना करने दे जो किसी दूसरे की ख्वाहिश है सो इट मीन्स डेट पावर हैज़ बेसिकली टू डायमेंशंस पहली बात तो ये है कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ करने की एबिलिटी और दूसरी बात कि किसी दूसरे को उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक काम ना करने की इजाज़त देने वाला मामला सो देन वट इज़ वायलेंस emerges as a result of ruthless and inappropriate use of that power and treating those having less or no power in an injustice way अब वायलेंस डेफिनेटली कहाँ से आएगी और कैसे आएगी जब वो लोग जिनके पास पावर है वो लोगों को वो सब नहीं करने देंगे जो लोग करना चाहते हैं तो यहाँ से जो रिएक्शन आएगा जो रिस्पॉन्स आएगा लोगों की तरफ से जिनके साथ ये ज्यादती होगी तो उससे सोसाइटी में माशरे में चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में वहाँ पर वायलेंस या तशद जो है वो पैदा होता है और फिर हमें यहाँ रुक कर इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है कि पावर और वायलेंस का क्या ताल्लुक है पावर में हमने दो डायमेंशन देखी कि वो सब जो आप करना चाहते हैं आप कर लें लेकिन अगर आप करते हुए किसी खास लिमिट को जो माशरे ने जो निज़ाम ने आपको डिस दी है अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो आपका बिहेवियर आपका वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपके वो एक्शंस जो हैं दे विल क्रॉस द बाउंड्री एंड दे विल बी रिएक्टेड बाय द ग्रुप जिनके साथ आपने वो जुल्म या ज़्यादती की क्योंकि आपके पास वो पावर थी जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी ये किसी भी माशरे में हो सकती है ये दुनिया में कहीं भी हो सकती है जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो अल्टीमेटली उस रिस्पांस की के नतीजे के तौर पर जो उन लोगों की तरफ से आएगा जिन पर म व्यादती की जाएगी तो मुशरे में तशद की एक लहर आती है कभी कभार वो लहर कंट्रोल कर ली जाती है किसकी हेल्प से उस लिजिटमेट अथॉरिटी के के साथ लिंक करते हुए जिसको रोकने का इख्तियार मौजूद हो सो हेयर वी हैव टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफिटोसी दैट लिजिटोसी इज अ टर्म यूज फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ओनली इफ इट्स use is allowed and authorized by the subject facing it. अब legitimacy क्या है बुनियादी तौर पर legitimacy is a power एक ऐसी term है जो express करती है exercise of power को लेकिन ये exercise of power वो होती है जो कानून देता है जो constitution में लिखी होती है और जिसके लिए बाकायदा तौर पर एक पैरामीटर डिज़ाइन करती है हर हकूमत हर स्टेट कि लिजिटमेट पावर कौन सी होगी जिसको ये राहक हासिल है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है पावर का यूज़ गलत हो रहा है कहीं पर कोई ग्रुप वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उनको रोकना कैसे है तो जब हम तरतीब से इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना चाहें या हम ये समझना चाहें कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों ग्रुप्स ये तीनों जो फैक्टर्स हैं या तीनों कॉन्सेप्ट कहाँ स्टैंड करते हैं तो पावर इज़ द रियलिटी इन एवरी सोसाइटी ठीक है पावर एक वो है जो गवर्नमेंट के पास है पावर वो वो लीगल पावर कहलाएगी लेकिन एक पावर जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो जिनके पास इख्तियार नहीं है उसके नतीजे में मुशरे में वायलेंस आएगी ठीक है वो वायलेंस रिएक्शन भी है वो वायलेंस रिस्पांस भी है उसको कंट्रोल कौन करेगा वो जिनके पास लिजिटमेट अथॉरिटी होगी वो लिजिटमेट अथॉरिटी के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैयर करेंगे और वायलेंस को भी कंट्रोल करेंगे तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं ये इंटर रिलेटेड भी हैं और इनकी डिबेट पोलिटिकल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है